फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल कम ऑन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्रायोप्रिजर्वेशन, विट्रिफिकेशन एंड इट्स टेक्निक। उसके बारे में हम जानेंगे क्या है क्रायोप्रिजर्वेशन, विट्रिफिकेशन और उसके टेक्निक के बारे में। इससे पहले मैं बता दूं, मेरे चैनल कम ऑन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, विद बेल आइकॉन लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हम अपना आज का स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो है क्रायोप्रिजर्वेशन। पहले हम जानते हैं क्रायोप्रिजर्वेशन क्या होता है। क्रायो मतलब होता है लो टेम्परेचर यानी कूल, और प्रिजर्वेशन मतलब होता है प्रिजर्वेशन। तो किसी भी चीज़ को हम जब प्रिजर्व कर रहे हैं ठंडे यानी ठंडे टेम्परेचर में, कूल टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में, तो हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। जैसे कोई भी ऐसा प्रोसीड्यूर्स जो प्रिजर्व किया जा रहा है, सेल या ग्रुप ऑफ सेल जैसे ऑर्गेन, एम्ब्रोया, कैलस इन कोल्ड टेम्परेचर, इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। ये जो है एक फ्रीजिंग टेक्निक है, जैसे हम रिप्रोडक्टिव सेल्स को किसी भी स्पेशल मीडिया में, उसको लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। और ये जो है काफ़ी हेल्पफुल है, स्टोर इसलिए किया जाता है ताकि काफ़ी मतलब बहुत दिनों बाद हम इसका यूज़ भी कर सकते हैं, सालों साल बाद हम इसका यूज़ कर सकते हैं किसी भी सेल का जिसको आप प्रोडक्ट यानी कि प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव सेल ही हुआ। अब देखते हैं क्रायोप्रोटेक्टेंट क्या होता है। क्रायोप्रोटेक्टेंट जो होता है एक सब्सटेंस है जो प्रोटेक्ट करता है बायोलॉजिकल टिश्यू को डैमेज होने से। फ्रीजिंग के टाइम जब बायोलॉजिकल टिश्यू डैमेज ना हो उसमें ये हेल्प करता है, और ये प्रिजर्व करता है। जैसे लिविंग मटेरियल जो होते हैं बायोलॉजिकल स्टडी के लिए, उसमें भी ये यानी कि उसको प्रोटेक्ट करता है सेल को, और इसे फूड प्रोडक्ट में भी प्रिजर्वेशन में भी यूज़ किया जाता है क्रायोप्रोटेक्टेंट का। तो हम देखते हैं क्रायोप्रोटेक्टेंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक परमिटिंग एजेंट होते हैं, एक नॉन परमिटिंग एजेंट होते हैं। तो परमिटिंग एजेंट का मतलब होता है फैल जाना, वो सेल में जाते हैं, सेल में अंदर क्रायोप्रोटेक्टेंट सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो सेल के वे चारों तरफ फैल जाते हैं और उसको यानी कि प्रिवेंट करते हैं किसी भी ऑस्मोटिक शॉक से उसे प्रिवेंट करते हैं। और ये जो होते हैं जैसे कि ये ग्लिसरॉल, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड्स और 1-2 प्रोपेन डायोल जो है ये परमिटिंग एजेंट हैं। नॉन परमिटिंग एजेंट में सुक्रोज है जो लार्ज मॉलिक्यूल्स का होता है, जो ऑस्मोटिकली रिमूव करता है वाटर को जैसे किसी भी सेल से, जैसे ब्लास्टोमियर से ही। और जो क्रायोप्रोटेक्टेंट यानी कि वाटर को रिप्लेस करता है यानी कि इनसाइड द सेल्स, तो ये सब जो हो गए आपके क्रायोप्रोटेक्टेंट हो गए। क्रायोप्रोटेक्टेंट मतलब जो प्रिवेंट कर रहे हैं, उसे बचा रहे हैं सेल को किसी भी तरह के शॉक से, किसी भी तरह के डैमेज से, तो ये हो गया क्रायोप्रोटेक्टेंट। तब हम देखते हैं कि जो इसका टेक्निक क्या है क्रायोप्रिजर्वेशन की। जो टेक्निक है चार जो मेनली बेस है वो है स्लो कूलिंग एंड स्लो थॉइंग, दूसरा है रैपिड कूलिंग एंड रैपिड थॉइंग, और तीसरा है विट्रिफिकेशन और चौथा है अल्ट्रा रैपिड फ्रीजिंग। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि फ्रीजिंग और थॉइंग क्या होता है। तो फ्रीजिंग और थॉइंग जो होता है, देखिए फ्रीजिंग मतलब होता है फ्रीज करना, तो ये सेल से वाटर को पोर फॉर्मेशन और वाटर रिमूव किया जा रहा है, सेल श्रिंक हो जा रहा है, सिकुड़ जा रहा है और डिहाइड्रेट हो जा रहा है, और जो वाटर जो उसमें यानी कि आइस हुआ जो यानी कि जो आइस उसमें यानी कि जो वाटर है वो आइस यानी एक्स्ट्रा सेलुलर आइस डाला जा रहा है जो उसे फ्रीजिंग कर रहा है। तो ये हो गया आपका फ्रीजिंग का प्रोसेस। और थॉइंग जो हो जाता है, जो यानी कि इसका जो थॉइंग का मतलब होता है टू चेंज फ्रॉम फ्रोजन सॉलिड टू ए लिक्विड बाय ग्रैनुलर वार्मिंग, मतलब वार्म ग्रैनुलर वार्म करते हुए जो यानी कि सॉलिड फॉर्म में है फ्रोजन सेल जो है उसको लिक्विड फॉर्म में, जो उसका जो पुराना जो यानी कि जो सेल का परफॉर्म सेल का जो रूप है उसी रूप में फिर से उसे लाया जाता है। तो जैसे सेल स्वेलिंग किया जाता है, ब्रेस्टिंग किया जाता है, फिर वाटर का इंटर हो जाता है, जो ये जो हो जाता है आपका जो फ्री एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर हो जाता है, मेल्टेड एक्स्ट्रा सेलुलर आइस हो जाता है, ये आपका थॉइंग प्रोसेस हो गया। तो ये था फ्रीजिंग और थॉइंग प्रोसेस। अब हम देखते हैं इसके जो टेक्निक हैं। तो इसका जो टेक्निक है, पहला है स्लो कूलिंग एंड स्लो थॉइंग, यानी कि धीरे धीरे इसमें कूलिंग किया जाता है और धीरे धीरे इसमें थॉइंग किया जाता है। तो इन दिस मैथड ऑर्गेन आर लोडेड इन द वायल आफ्टर इक्विबिलियम विद क्रायो प्रोटेक्टेंट सॉल्यूशन, देन कूल्ड द रेट ऑफ 0.5 to 0 डिग्री सेल्सियस पर मिनट डाउन टू -1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि क्या, किसी भी सेल्स को हम लोडेड कर रहे हैं किसी सीसी में से इक्विबिलियम करके, और उसमें क्रायो प्रोटेक्टेंट के सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, और कूल्ड का जो रेट है इसका 0.5 to 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट पे ये कूल्ड होते जा रहा है। -1 डिग्री सेल्सियस पे जब ये कूल्ड हो जा रहा है 5 to 15 मिनट तक इसे होल्ड करते हैं वहाँ पे, फिर इसके बाद जो एम्ब्रोया जो कूल्ड हो जाता है
60 डिग्री सेल्सियस पर कूल हो जाता है एक लोअर टेम्परेचर, तब इसका रेट हो जाता है 0.3 से 0.5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। उसके बाद यह ट्रांसफ़र किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद यही इसी को कहते हैं स्लो कूलिंग और स्लो थोइंग, मतलब धीरे धीरे इसमें कूलिंग किया जाता है और धीरे धीरे थोइंग किया जाता है। थोइंग भी जो है उसमें जो यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर मिनट पर किया जाता है, और शॉक से प्रिवेंट किया जाता है ताकि वो बच सके, शॉक ना लगे सेल में, प्रिवेंशन हो सके उसका सेल का। तो ये आपका स्लो कूलिंग और स्लो थॉइंग हो गया। दूसरा है रैपिड कूलिंग और रैपिड थॉइंग। इसमें जो है वो कूलिंग जो होगा रैपिड होगा और जो थॉइंग भी होगा वो भी रैपिडली होगा। तो इन दिस टेक्निक जो कूलिंग जो टर्मिनेट करता है -30 से -40 डिग्री सेल्सियस, द एम्ब्रॉयर इज प्लग इनटू लिक्विड नाइट्रोजन रैपिड कूलिंग, रैपिड तुरंत रैपिड यानी 30 से सीधा 196 डिग्री सेल्सियस -196 डिग्री पर नाइट्रोजन लिक्विड में डाल दिया जाता है। उसके बाद थॉइंग में भी उसी तरह है, इसमें भी रैपिडली 200 से 500 डिग्री सेल्सियस पर मिनट पर तुरंत यानी कि थॉइंग किया जाता है ताकि इसका जो रिक्रिस्टलाइज है और प्रिवेंट किया जाता है किससे, रिक्रिस्टलाइजेशन से, जो क्रिस्टल है उसको यानी कि फिर से उसको यानी कि रिक्रिस्टलाइज किया जाता है, यानी कि फ्रीज जो है फ्रीजिंग को फिर उसके जनरल स्टेट जो उसके जो नॉर्मल स्टेट में है जो लिक्विड स्टेट में है उसको ले आया जाता है जितनी भी सेल्स है उसको थॉइंग कहते हैं। तो ये हो गया रैपिड कूलिंग और रैपिड थॉइंग। तब हम देखते हैं तीसरा जो है विट्रिफिकेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टर्म है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। विट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफॉर्म ए सब्सटेंस इंटू ग्लास, दैट इज से द नॉन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड, विट्रिफिकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परमेबिलिटी ऑफ वाटर। तो विट्रिफिकेशन जो क्या होता है, जो कोई भी चीज़ को सेल यदि को जो फ्रीज कर रहे हैं वो एकदम ग्लास टाइप का हो जाता है, पारदर्शी टाइप का हो जाता है, एकदम ग्लास टाइप का उसको बना देते हैं तो उसे हम विट्रिफिकेशन कहते हैं। लाइक अ ग्लास यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस यानी सॉलिड हो जाते हैं। तो विट्रिफिकेशन इज द विट्रिफिकेशन एक मॉडर्न क्रायोप्रिजर्वेशन टेक्निक है। इसमें सडन कूलिंग किया जाता है किसी भी सेल्स का या रिप्रोडक्टिव सेल्स का, टेम्परेचर को 196 डिग्री सेल्सियस पे एक सेकंड में ही लिया जाता है, एक ही सेकंड में 196 डिग्री में तुरंत रैपिड कूलिंग इसमें होता है, तो इट्स कॉल्ड विट्रिफिकेशन। इसमें हाई डोज क्रायोप्रोटेक्टेंट का ही हो जाता है, क्रायोप्रोटेक्टेंट जो हेल्प करता है प्रोटेक्टिंग करता है सेल का डैमेज होने से, तो उसका जो है काफ़ी हाई डोज काफ़ी हाई ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है विट्रिफिकेशन में। जो अदर जो स्लो फ्रीजिंग जो थी जो प्रोसेस है उसमें उसके आधार पर, तो इसमें ज़्यादा क्रायोप्रोटेक्टेंट यूज़ किया जाता है और अधिकतर इसका यूज़ किया जाता है विट्रिफिकेशन टेक्निक का क्लिनिक परफॉर्मेंस में, क्लिनिकली इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है विट्रिफिकेशन टेक्निक का। अब हम देखते हैं अल्ट्रा रैपिड फ्रीजिंग। अल्ट्रा रैपिड फ्रीजिंग होता है जो सीरियल इक्विलिब्रियम ऑफ एम्ब्रॉयर हायर कंसेंट्रेशन, इसमें DMSO जो ये क्रायोप्रोटेक्टेंट है और इसके साथ सुक्रोज के सप्लीमेंट के साथ इसका फ्रीज किया जाता है, अल्ट्रा फ्रीज किया जाता है इसमें। तो ये जो हो गया चौथा टेक्निक हो गया। अब हम देखते हैं कि जो इसके उसके जो अल्ट्रा जो टेक्निक उसमें अल्ट्रा फ्रीज किया जाता है, उसके बाद उसे नाइट्रोजन लिक्विड में इसे डाल दिया जाता है, नाइट्रोजन लिक्विड में प्लग किया जाता है। अब हम देखते हैं थॉइंग जो होता है वो कैसे किया जाता है। जो थॉइंग जो किया जाता है एक वाटर बाथ एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि यानी कि वाटर को 500 डिग्री सेल्सियस मिनट पे वहाँ पे गर्म किया जाता है और उसमें किसी भी सेल को जो वहाँ पे क्रायो प्रिजर्व किया हुआ सेल को उसमें यानी कि रखा जाता है, जिससे वो धीरे धीरे यानी कि वार्म हो जाते हैं, तो उसके बाद वो अपने स्टेज पे आ जाते हैं, तो अपने जो पुराने स्टेज पे उसमें वो आ जाते हैं। तो ये देखिए स्लो फ्रीजिंग और विट्रिफिकेशन, स्लो फ्रीजिंग जो होता है और विट्रिफिकेशन होता है वो दोनों में क्या अंतर है। तो जो स्लो फ्रीजिंग होता है उसमें डैमेज जो होता है जो आइस फॉर्मेशन बनने की फ्रीजिंग करते समय जो उसमें डैमेज होता है उसमें हो सकता है यस हो सकता है, मगर विट्रिफिकेशन में वो डैमेज नहीं होता है। और जो इसका स्पीड होता है फ्रीजिंग करने का वो 0.3 डिग्री सेल्सियस पर मिनट जो होता है वो स्लो फ्रीजिंग में होता है, मगर विट्रिफिकेशन में वो तुरंत एक सेकंड में ही हो जाता है। तो 23,000 डिग्री सेल्सियस पर मिनट इसका जो होता है यानी कि फ्रीजिंग करने का स्पीड है। और इसका अमाउंट ऑफ जो प्रोटेक्टेंट क्रायोप्रोटेक्टेंट का यूज़ किया जाता है तो लो इसमें यूज़ किया जाता है, मगर विट्रिफिकेशन में हाई यूज़ किया जाता है। इसमें जो सेल्फ सर्वाइवल की जो यानी कि परसेंटेज है वो लो होता है, इसमें जो हाई परसेंटेज होता है यानी सेल सर्वाइवल इसमें ज़्यादा रह सकता है, तो ये ज़्यादा अच्छा टेक्निक है विट्रिफिकेशन। इसका जो प्रोसीड्यूर है काफ़ी सिंपल है स्लो फ्रीजिंग का, और ये इसका जो विट्रिफिकेशन का जो है कॉम्प्लेक्स है प्रोसीड्यूर। तो इसका यानी कि सारे चीज़ का मतलब वो है कि विट्रिफिकेशन इज़ द बेस्ट टेक्निक, मगर ये कॉम्प्लेक्स है मगर ये बेस्ट टेक्निक है।
तो देखिए, एक का विट्रिफिकेशन जो किया गया है, यानी कि जो एक कलेक्शन किया गया है 37 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद रूम टेम्परेचर पे इसे लाया गया है। इसमें कंसंट्रेशन क्रायोप्रोटेक्टेंट का डाला गया है बढ़ते क्रम में, तो इसमें ज़्यादा क्रायोप्रोटेक्टेंट डाला गया है। उसके बाद इसे फ्रीज किया गया क्रायोप्रोटेक्टेंट में, उसके बाद 196 डिग्री सेल्सियस पे, -196 डिग्री सेल्सियस पे N2 के लिक्विड सॉल्यूशन में डाला गया। जो फ्यूचर में ये जो विट्रिफिकेशन किया गया, इसका फ़ायदा है कि फ्यूचर में कभी आपको ज़रूरत पड़े तो इसके, यानी कि ये जो यहाँ पे एम्ब्रोया का किया गया, एक का किया गया, तो उसका यूज़ करके आप, यानी कि IVM टेक्निक या किसी भी टेक्निक में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, जो फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है, तो इसका एक फ़ायदा हुआ। तब हम देखते हैं क्रायो जो प्रिजर्वेशन, इसका है फ्लो चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए, सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है, उसको कंसंट्रेट किया जाता है सेल्स को, उसके बाद रीसस्पेंडेड किया जाता है सेल को इन कोल्ड टेम्परेचर पे, फिर कंट्रोलिंग जो उसका जो कूलिंग होता है -1 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, -80 डिग्री सेल्सियस पे उस पर रखा जाता है जो उसका कंट्रोलिंग कूलिंग है। उसके बाद लिक्विड नाइट्रोजन में इसका स्टोर किया जाता है, जब उसके बाद यानी कि ज़रूरत होता है तब थॉक किया जाता है उसे, यानी कि उसे पुराने स्टेज में लाया जाता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बात किया जाता है 3 से 5 मिनट तक, उसके बाद उसे डाइल्यूट मीडिया और कल्चर किया जाता है, यानी कि उसका यूज़ किया जाता है। तो ये जो हो गया आपका क्रायोप्रोटेक्टेंट की पूरी फ्लो चार्ट की जो प्रक्रिया हो गई, ये टोटल जो हो गया होल क्रायो प्रिजर्वेशन का हो गया, और जो इसके यूज़ कर रहे हैं थॉ करके, तो ये जो हो गया आपका पूरा क्रायो प्रिजर्वेशन प्रोसेस हो गया। तो क्रायो प्रिजर्वेशन जो प्रोसेस है उसके बारे में कुछ और भी चीज़ आप जान लीजिए। जैसे जो ऑर्गेन, जो नेचुरल ऑर्गेन होता है, टिश्यू होता है, जैसे कि लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी, जो ट्रांसप्लांट के लिए, कॉर्निया, ये सब जो ट्रांसप्लांट के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसमें जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व किया जाता है यानी कि ऑर्गेन को। और ये जो है ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, जब तक आदमी ट्रांसप्लांट कर सकता उतना ही टाइम, यानी 2-4 घंटा ही रहता है, इसलिए इसे जल्दी से ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इसमें भी हेल्प करता है क्रायो प्रिजर्वेशन। जो कॉर्निया जो ट्रांसप्लांट कर रहा है उसमें, इसमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिला है क्रायो प्रिजर्वेशन के कारण, क्योंकि कॉर्निया को प्रिजर्व करके उसमें यानी कि डिफ़िकल्टी ज़्यादा नहीं होती प्रिजर्व करने में, और इसमें ब्लड सप्लाई भी कम नहीं होता है कॉर्निया में, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होता है। क्रायो प्रिजर्वेशन है यानी कि जो मतलब ग्रेट सक्सेस मिला है स्किन और ब्लड के क्रायो प्रिजर्वेशन में भी, और बहुत तरह की जो कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेन है उसको भी प्रिजर्व करने में, उसके इम्यूनिटी को प्रिजर्व करने में काफ़ी हेल्प मिला है। तो ये सब जो हो गया क्रायो प्रिजर्वेशन, जो आपके आगे की क्रायो प्रिजर्वेशन, जैसे आपके बहुत कोई स्टेम सेल भी अपने यानी कोई भी सेल यदि वहाँ प्रिजर्व कर रहा है, या कोई भी टिश्यू ऑर्गेन प्रिजर्व कर रहा है, तो वो आगे जाके फ्यूचर में आपको हेल्प करेगा। तो ये सब जो एक क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक है, जो बहुत अच्छी टेक्निक है हमारे, यानी कि जो हमारे जो बायोलॉजिकल व्यू में देखा जाए या किसी भी तरह से देखा जाए कि जिसका ये टेक्निकली जो बहुत अच्छा यूज़ हो रहा है क्रायो प्रिजर्वेशन, तो ये बेस्ट टेक्निक है ये भी किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने का। तो इसे आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आपको कैसा लगा ये सेक्शन हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। God bless you.